नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भीकनगांव, अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने तथा उसकी धरपकड़ के लिए पूरे जिले में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना पर SDOP भीकनगांव प्रवीण उइके के निर्देशन में थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने टीम गठित कर ग्राम मनोहरपुरा के शुभान फालिया में दबिश देकर काशीराम पिता छगन वास्कले के खेत में कुल 12 पौधे एवं भीम सिंह पिता नवल सिंह के खेत से 11 पौधे, कुल 23 गांजे के हरे पौधे जिसका कुल वजन 14 किलो 633 ग्राम होकर बाजार मूल्य 75,000 रुपए बताया जा रहा है। गांजा जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आज एक उपलब्धि हासिल करी, क्या पूरा विषय था ये? देखिए, ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें बीकन गांव पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम मोहनपुरा सुभान फालिया के दो व्यक्तियों के खेत में गांजे का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर काशीराम पिता छगन वास्कले और दूसरा भीम सिंह पिता नवल सिंह विवराला को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 14 किलो 600 ग्राम वजन के गांजे के पौधे प्राप्त हुए। इनको अभी गिरफ्तार कर फर्दर अभी सूचना प्राप्त की जा रही है। सर, कितना इसका बाजार मूल्य क्या रहा है और कौन सी धाराएं लगाई गई? ये 8/20 NDPS एक्ट है और 70-75 हज़ार की कीमत है इसकी। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.